A very warm and beautiful good morning to you all, my dear students. Take every chance you get in life because some things only happens once. Now time to start a new chapter. Chapter 16. See the sky. A very good morning to you all. Let us start chapter 16. Some of you don't have EVS book, so I have written everything on the board. Then I will read. In this case, you have to learn how to read the words, difficult words you can read also. And afterwards I will explain. Please see the board. Chapter 16, see the sky. Mitchell lives in a cave. It is dark and dull inside his cave, so he likes to play outside during the day and night. Here one name is given, who? Minty. But you can take your name also. Okay. Lives in a cave. Minty कहाँ रहता है? Cave के अंदर रहता है. गुफा के अंदर रहता है. गुफा में क्या होगा? गुफा में क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है. आप लोग रह नहीं, या तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि एक कमरा बंद करके देखो, उसमें क्या होगा? अंधेरा होगा. वैसे इधर मिंटी कहाँ रहता है? Lives in a cave. गुफा. It is dark and dull inside his cave. Obviously, if ये एग्जाम्पल आप लोग अपना कमरा बंद करके देखो, पूरा अंधेरा रहेगा, कुछ नहीं दिखा रहता है. So he likes to play outside during the day and night. इसलिए वो आप लोग जो कमरे के अंदर बंद कमरे में खेलना चाहते हो, नहीं चाहते हो, इसलिए सेम चीज. ये भी बच्चा कहाँ खेलना चाहता है? Outside during the day and night. कहाँ खेलना चाहते हैं हम लोग ज़्यादा करके? ज़्यादा करके नहीं, ऑब्वियसली हम लोग खेलना बाहर ग्राउंड में खेलना चाहते हैं, उजाला में खेलना चाहते हैं. The sky is the space above the earth. We can look up at the sky and see many things at day and night. What is written here? The sky is the space above the earth. Sky कहाँ है? Space above the earth. Earth में हम लोग रहते हैं. Space बीच में space है ना? The sky is the space above the earth. ऊपर ना, sky ऊपर है. We can look up at the sky. हम लोग अगर ऊपर देखेंगे तो and see many things at day and night. देखो हम लोग धरती पे हैं, ठीक है, अर्थ में हैं. अगर हम लोग ऊपर देखें, थोड़ा सा बीच में स्पेस है और ऊपर देखेंगे तो क्या है? स्काई है, ठीक है. और अगर ऊपर देखेंगे हम लोग को बहुत सारे, वी कैन सी मैनी थिंग्स. क्या क्या देख सकते हैं एट डे एंड नाइट? क्या क्या देख सकते हैं डे में? डे में क्या देख सकते हैं? सन देख सकते हो. और रात को क्या देख सकते हैं स्काई में? स्टार्स, मून्स. मून एक ही है, मून और स्टार्स देख सकते हैं. द नाउ डे टाइम द स्काई इज ब्लू ड्यूरिंग द डे. द सन शाइन्स इन द स्काई. द सन इज हॉट एंड ब्राइट. इट गिव्स heat and light. The clouds float in the sky. Now daytime, din ke time mein kaise hai? The sky is blue during the day. The sky is blue during the day. Din mein sky ka color kaisa rehta hai? ब्लू कलर. कैसा रहता है? ब्लू कलर में. ओके. द सन शाइन्स इन द स्काई. द सन कौन शाइन्स करता है? द सन शाइन्स इन द स्काई, है ना, बहुत उजाला दिखता है ना. द सन इज हॉट एंड ब्राइट. द और सन कैसा होता है? द सन इज हॉट एंड ब्राइट. हॉट एंड ब्राइट बहुत ही गर्म और बहुत ही चमकीला टाइप, उजाला टाइप, है ना, ब्राइट, है ना, दिखता है. इट गिव्स हीट एंड लाइट. इट गिव्स, सन गिव्स हीट एंड
लाइट। और क्या क्या मिलता है सन से? गर्मावट मिलती है, गर्मी मिलती है और लाइट मिलता है। द क्लाउड्स फ्लोट इन द स्काई। और क्या दिन में दिखाई देता है? क्लाउड्स फ्लोट इन द स्काई। अभी इधर से हम लोगों को समझ में नहीं, अच्छे से नहीं दिखता है, हम लोग नीचे धरती पे है। अगर आप लोग एरोप्लेन में अगर कभी ट्रैवल किया तो आप बाई चांस आप देखोगे नीचे क्लाउड्स तैरते जैसे आपको दिखेंगे। कभी आप लोगों को मौका मिल गया तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। अभी देखो क्या क्या मिलता है डे के टाइम में, क्या क्या होता है देखो। द स्काई इज ब्लू ड्यूरिंग द डे, ये एक ब्लू कलर में होता है। और सन शाइन्स इन द स्काई, ठीक है। द सन इज हॉट एंड ब्राइट, ठीक है। इट गिव्स हीट एंड लाइट। द क्लाउड्स फ्लोट इन द स्काई। द क्लाउड्स आर व्हाइट और ग्रे। क्लाउड्स का कलर कैसा होता है? व्हाइट और ग्रे। द क्लाउड्स आर व्हाइट और ग्रे। द दे गिव रेन समटाइम्स। क्लाउड से क्या होता है? अगर बादल से क्या मिलता है हम लोगों को? रेन माने बारिश। दे गिव रेन समटाइम्स। अ बैंड ऑफ सेवन कलर्स अपीयर्स इन द स्काई। अगर कभी बारिश होती, हल्की बारिश होती है और धूप रहता है तो हम लोगों को क्या मिलता है, क्या होता है? रेनबो दिखता है ना, सेवन कलर्स का एक बैंड। ओके, देखो क्या कैसे क्या कह रहा है। अ बैंड ऑफ सेवन कलर्स अपीयर्स इन द स्काई। दिस इज कॉल्ड रेनबो। रेनबो क्या होता है? रेनबो क्या होता है? अ बैंड ऑफ सेवन कलर्स, एक बैंड ऑफ सेवन कलर्स। जैसे सेवन कलर्स का एक आप लोगों को देखा होगा रेनबो, जो स्काई में दिखता है जब बारिश, हल्की बारिश और जहाँ ज्यादा धूप होता है। नाइट टाइम। द स्काई इज ब्लैक एट नाइट। स्काई नाइट में कैसे कलर में दिखता है? ब्लैक कलर। कैसे दिखता है नाइट को? ब्लैक कलर। द मून शाइन्स इन द डे इन द स्काई। मून रात को है ना, नाइट टाइम के बारे में बता रहा है। द स्काई इज ब्लैक एट नाइट, द मून शाइन्स इन द स्काई। दिन में कौन होता है? सन। रात को कौन होता है? मून। ओके, कौन होता है रात को? मून। शाइन्स इन द स्काई, इट इज स्मॉलर देन द सन। मून किससे छोटा है? सन से छोटा है। स्मॉलर देन द स्काई, सन। ओके, इट सीम्स टू चेंज इट्स शेप्स एवरी डे। आप लोगों ने मून को देखा होगा, उसका शेप मतलब चेंज होता रहता है ना। जब से बढ़ने लगता है तो थोड़ा बढ़ता रहता है, अगर कम होने लगता है तो उसकी शेप छोटा होता रहता है। समटाइम्स इट इज राउंड लाइक अ प्लेट। कभी मून लाइट जैसे फुल प्लेट की तरह फुल रहता है। और समटाइम्स इट इज कर्व्ड लाइक अ बनाना। कभी कभी ऐसे कर्व्ड होता है जैसे बनाने के टाइम में, क्रिसेंट टाइप शेप में। ओके, नाउ स्टार्स। स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट। नाइट में कौन क्या क्या रहता है? मून और स्टार्स रहते हैं ना। स्टार्स ट्विंकल चमकते हैं इन द स्काई एट नाइट। एट नाइट स्टार्स कब ट्विंकल्स होते हैं? स्टार्स ट्विंकल्स इन द स्काई एट नाइट, रात को। दे आर वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर फार फ्रॉम अस। वो बहुत ही छोटे रहते हैं, छोटे दिखते हैं क्योंकि वो बहुत हमसे दूर रहते हैं। वेरी दे आर फार फ्रॉम अस, दे आर वेरी दे आर फार फ्रॉम अस। दे आर सो मेनी दैट वी कैन नॉट काउंट देम। देखो मून को हम लोग काउंट कर सकते हैं क्योंकि वो सिंगल है, और सन को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो भी सिंगल है, और स्टार्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते इसलिए कि वो बहुत सारे। दे आर सो मेनी दैट वी कैन नॉट काउंट देम। ओके, इसलिए बहुत सारे हैं।
स्टार्स, स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट, स्टार हम लोग रात को देख सकते हैं, वो चमकते हैं और या टिमटिमाते हैं. दे आर वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, दे आर सो मेनी दैट वी कैन नॉट काउंट देम. नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज. सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस. द स्काई इज ब्लू और ब्लैक ड्यूरिंग द डे. द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम में कौन से कलर में है, ब्लैक ब्लू कलर में है या ब्लैक कलर में है. दिन के टाइम में स्काई का कलर कौन सा है. द स्काई इज ब्लू और ब्लैक ड्यूरिंग द डे. व्हाट इज द राइट आंसर. यस, ब्लू कलर. वी हैव टू सर्कल ब्लू. क्वेश्चन नंबर टू इज द मून और सन. द मून और सन इज हॉट एंड ब्राइट. इसमें मून सबसे ज्यादा गर्म कौन रहता है. हॉट माने गर्म और ब्राइट कौन रहता है. सन. यस, वी हैव टू सर्कल सन. क्वेश्चन नंबर थ्री इज द क्लाउड्स और रेनबो फ्लोट इन द स्काई. कौन तैरता है, रेनबो तैरता है या क्लाउड्स तैरते हैं. मैंने क्या बोला था, अभी एक्सप्लेन करता हूं. व्हाट इज द राइट आंसर. क्लाउड्स. वी हैव टू सर्कल. क्वेश्चन नंबर फोर इज स्टार्स और मून ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट. कौन चमकते हैं रात को, स्टार्स या मून. मून चमकता नहीं है, ठीक है. तो व्हाट इज द राइट आंसर. स्टार्स. व्हाट इज द राइट आंसर. स्टार्स. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर वन इज द सन इज हॉट एंड गिव्स अस. सन इज हॉट एंड गिव्स अस डैश. व्हाट इज द आंसर. द सन इज हॉट एंड गिव्स अस. आंसर इज लाइट. लाइट स्पेलिंग एल आई जी एच टी लाइट. एल आई जी एच टी लाइट. क्वेश्चन नंबर टू इज द स्काई इज डैश ड्यूरिंग द डे. द सन इज डैश ड्यूरिंग द डे. विच कलर, ब्लू कलर. ओके, द स्काई इज ब्लू ड्यूरिंग द डे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री इज द मून इज स्मॉलर देन द व्हाट. अगर द आंसर सन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर इज we can see the stars in the sky at, when we can see the stars in the sky, in the sky at night. What is the answer. Night spelling n-i-g-h-t night. Question answers. What is the sky. What is the question number one. Question number one is what is the sky. Answer is the sky is the space above the earth. What is the answer. The sky is the space above the earth. Question number two is how many colors does a rainbow have. How many colors does a rainbow have. What is the answer. Rainbow has how many colors. Seven colors. Rainbow has how many colors. Seven colors. Question number three is write two differences between sun and moon. First, sun. The sun shines in the sky during the day. Sun, about sun we have to talk. We have to write two points. The sun shines in the sky during the day. Sun kab shines hota hai, during the day, daytime. Now same thing dekhega to the moon shines in the sky during the night. Yes, moon ke liye likhte ho to night likhna hai, theek hai. Next point two, it gives us heat and light. It gives us heat and light. हम लोगों को उजाला देता है. और it is smaller than the sun. Moon sun से छोटा है. Okay?